हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, आज हम फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में सेटिंग टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में क्या पढ़ा था, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। इनर्शियल सेटिंग टाइम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनर्शियल सेटिंग टाइम हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें कंक्रीट को पोरिंग करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, यानी मिक्सिंग के बाद। आप कंक्रीट को जब मिक्सिंग कर रहे हैं उसके बाद उसको साइड पर ले जाके पोरिंग करने का थोड़ा सा हमें समय मिलना चाहिए। तो इस स्टेट में हमने पढ़ा था कि जब मिक्सिंग की जाती है और साइड पर ले लिया जाता है, कम से कम 30 मिनट का समय तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप 40 फ्लोर पर आप कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप ग्राउंड से मिक्सिंग करके ये 40 फ्लोर तक पहुंचाने में सीमेंट को, सीमेंट मोर्टार को या सीमेंट कंक्रीट को आपको समय लगेगा। तो उस समय में हमारी सीमेंट क्या रहनी चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल के साथ क्या भी होना चाहिए, प्लास्टिसिटी भी रहना चाहिए। वर्केबल होना चाहिए और दूसरा प्लास्टिसिटी होना चाहिए। यानी हमने जो पढ़ा था इनर्शियल सेटिंग टाइम, वो पढ़ा था सीमेंट हमारी प्लास्टिसिटी होनी चाहिए अंडर द इनर्शियल सेटिंग टाइम। यानी हम सेटिंग टाइम इसलिए, इनर्शियल सेटिंग टाइम इसलिए ज्ञात करते थे, हमें ये पता चल जाता कि इतने मिनट तक हमारा सीमेंट प्लास्टिसिटी है, यानी हम किसी भी शेप में उसको दे सकता था, या कॉलम बना सकता था, बीम बना सकता था, स्लैब बना सकता था, ठीक है, उस शेप में हम उसको ढाल सकते थे। लेकिन जैसे ही वो प्लास्टिसिटी को अपना लूज कर देगी, खत्म कर देगी, तो उसके बाद हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब फ्रेंड्स हार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम हम पढ़ते हैं। यानी फाइनल सेटिंग टाइम में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा सीमेंट है वो कब से अपना स्ट्रेंथ गेन करना प्रारंभ करता है, यानी कितने समय से हमारा स्ट्रेंथ अपना गेन करना प्रारंभ कर लेगा। और इसमें क्या होगा, एक तो ये पढ़ेंगे कितने देरी से वो हमारा स्ट्रेंथ गेन करता है, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि इसमें जो 100% प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, यानी इसमें जो प्लास्टिसिटी थी वो पूरा 100% तक क्या होती है, खत्म हो जाती है। ये फाइनल सेटिंग टाइम में हमारी प्लास्टिसिटी क्या है, पूरी 100% तक खत्म हो जाती है और ये स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट कर देता है। ये स्ट्रेंथ को क्यों गेन करता है, तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास C3A है, C3S है, C2S है और C4AF है। तो आप देखते हैं कि जो C3A होता है, ये आपको वाटर ऐड करने पर ये सबसे जल्दी अभिक्रिया करता है और मैसिव हीट अप्रॉक्स 850 जूल प्रति ग्राम हीट को क्या करता है, लिबरेट करता है, ठीक है। तो इसी को, इस हीट को मतलब रोकने के लिए, इसके अभिक्रिया को रोकने के लिए कि ये तुरंत मैसिव हीट ना जनरेट करे, उसके लिए हम जिप्सन मिलाते थे। यानी जिप्सन क्या करता है, C3A है और जिप्सन हमारा कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O होता है, हाफ H2O। तो इसमें क्या होता था, जो सल्फेट होता है एल्यूमिनेट से क्रिया कर लेता है, एल्यूमिनियम प्लस का है 3 और यहाँ सल्फेट माइनस का 4-2 होता है, ये आपस में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम प्लस 3 के ऊपर एक, मान लीजिए एल्यूमिनियम प्लस 3 का एक पार्टिकल्स है, तो इसके ऊपर क्या करता है, जैसे सल्फेट आके यहाँ पर बैठ जाता है और जब सल्फेट आके बैठेगा तो इसके अभिक्रिया को क्या करता है, रोक देता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब जिप्सन हम मिलाते हैं तो जिप्सन हमारा C3A का अभिक्रिया को थोड़ी समय के लिए रोक देता है। अब जैसे जैसे जिप्सन का ये बांड, ये रोका हुआ बांड ब्रेक होता है, वैसे वैसे हमारी क्या होती है, C3A अर्ली स्ट्रेंथ मतलब ज्ञात करना स्टार्ट कर देती है। हम पढ़ते हैं कि C3A जो हमारी स्ट्रेंथ ज्ञात करती है वो हमारी लगभग 12 से 24 आवर्स के अंतर्गत क्या होती है, 24 आवर तक स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। तो हम इसीलिए देखते हैं कि जो हमारी फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, 10 आवर से कम होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हमारा C3A 10 आवर्स के अंतर मतलब अंदर ही हमारा अपना स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर देता है और 24 आवर तक वो स्ट्रेंथ पूरी तरह से गेन कर लेता है। उसके पास हमारा नंबर आता है C3S का।
पहले C3S आता है, C3S आता है ये 2 से 4 बीट के अंतर्गत, ये हमारा स्ट्रेंथ ज्ञात करता है 60 डे से 40 डे तक, ये हमारी स्ट्रेंथ यानी 1 वीक से 2 वीक तक, 1 वीक से 2 वीक तक हमारा C3A बैठा रहता है। फिर उसके बाद हमारा C3S आता है जो कि 4 मतलब हमारा लगभग 28 दिन यानी 4 वीक में स्ट्रेंथ स्टार्ट कर देता है देना, वो C2S स्ट्रेंथ देना स्टार्ट कर देता है, यानी C2S 4 वीक में देता है, फिर C3S 1 से 2 वीक में देता है, और जो हमारा 2 से 40 डे होता है यानी 12 हावर से 40 हावर्स होता है उसमें हमारा C3A देता है। जब C3A देता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जिप्सम डाला। अब यही हमें ज्ञात करना है कि जो हमारी फाइनल सेटिंग टाइम है, हमें यही पता निकालना होता है कि जो हमारा स्ट्रेंथ मतलब प्रारंभ हुआ है वो कितने समय में हुआ है। मान लीजिए जैसे लो हीट का सीमेंट है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, तो उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है थोड़ा अलग होता है। तो यानी वो स्ट्रेंथ गेन करने में अलग अलग समय लेते हैं, यानी हमें आज जो हमें फाइनल सेटिंग टाइम में पढ़ना है उसमें यही पढ़ना है कि वो हमारी जो भी सीमेंट होगी वो हमारी पूरी 100% प्लास्टिसिटी को खत्म कर देगी और उसके बाद स्ट्रेंथ लेना प्रारंभ कर देती है, स्ट्रेंथ को गेन करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम्स व्हेन द पेस्ट कम्प्लीटली लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी, यानी पूरी तरह से क्या होती है, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देता है यानी खत्म कर देता है। ये हमारी क्या होती है, इनर्शियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। एक और डेफिनेशन है, अंतिम जमाव समय है कंक्रीट के जमाव की वो अवस्था जिस पर वह काफी कठोर हो गई हो और उसमें से काफी सामर्थ उत्पन्न हो चुकी हो और अंतिम जमाव की अवस्था कहलाती है। हमने यही पढ़ा था कि हमारी फाइनल सेटिंग टाइम में हम यही निकालते हैं कौन से सीमेंट कितने घंटे में अपना क्या होती है, स्ट्रेंथ गेना प्रारंभ कर देती है। मान लीजिए किसी सीमेंट के जो हमारे ज्यादा तो 10 आवर्स से कम होना चाहिए, हम पढ़ते हैं कि यानी 600 मिनट से कम ही होना चाहिए, यानी 600 मिनट से पहले कोई भी सीमेंट हो वो अपना स्ट्रेंथ गेना क्या करेगी, प्रारंभ कर देना चाहिए। तो हम यही फाइनल सेटिंग टाइम में पढ़ते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है निकालने का वो अलग है, उसके लिए हमने क्या करते हैं, इनर्शियल सेटिंग टाइम पढ़ा था, इनर्शियल सेटिंग टाइम का ही पेस्ट हम क्या करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के लिए निकालने के लिए लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इनर्शियल सेटिंग टाइम में जो सीमेंट की मात्रा होती है वो 400 ग्राम पढ़ा था और इसमें जो हमने वाटर मिलाया था वो वाटर हमने मिलाया था 0.85 P into weight ऑफ सीमेंट, यानी आपको 0.85 और उसके बाद आपको पता है आपकी कंसिस्टेंसी मान ली 25% है तो 25% इनटू वेट 400 ग्राम ये आप गुणा कर लीजिए, आप इतना ग्राम क्या कर लीजिए वाटर ले लीजिए और वाटर को मिलाने के बाद आप पेस्ट तैयार कर लीजिए, पेस्ट को आप मोल्ड में पुट ऑन कर दीजिए। उसके बाद हम इनर्शियल सेटिंग टाइम देखे थे, अब वही इनर्शियल सेटिंग टाइम पर हम फाइनल सेटिंग टाइम उसी पेस्ट पर करते हैं। तो इसके लिए हमने प्रिपेयर करने के लिए हमारा प्रोसीजर सेम है, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो 0.85 टाइम्स ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू डिवेन द पोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ज्यादातर हमारे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये चीज, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है फाइनल सेटिंग टाइम का प्रोसीजर्स। इसमें हमने क्या करेंगे, जो हमारी नीडल होती है सी को हम रिप्लेस करेंगे, अब से आप देख लीजिए ये जो हमारी सी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एफ से। एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पर है, दिस इज द एफ, हम इसको सी को हटा के ये एफ को लाएंगे, ये हमारी एफ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, द सीमेंट सेल बी कंसीडर ए फाइनली सेट व्हेन अपॉन अप्लाई द नीडल जेंटली टू द सरफेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक। जो हमने फाइनल इनर्शियल सेटिंग टाइम में टेस्ट ब्लॉक बनाया था उस पर हम क्या करेंगे, ईएफ को अब जेंटली अप्लाई करते हैं।
लीजिए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जेंटली अप्लाई करेंगे, नीडल मेक इम्प्रेशन, यानी जो नीडल होगा वो इम्प्रेशन बनाएगा, वाइल द अटैचमेंट फेल डू इट, यानी जो अटैचमेंट होगा वो कोई इम्प्रेशन नहीं बनाएगा। द पीरियड, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब डिफिनीशन है वो इसी में है, कोड में ही है। वो क्या कहता है डिफिनीशन, यहाँ है द पीरियड एलेप्सिंग बिटवीन द टाइम्स वेन वाटर टू एडेड टू द सीमेंट पेस्ट एंड द टाइम टाइम एट विच द नीडल मेक द इम्प्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक्स वाइल द अटैचमेंट फेल टू डू सो शैल बी फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, इसके बारे में हमने आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है ये। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। ये हमारी पेस्ट थी, यहाँ पर हमने पेस्ट को फुल कर दिया, मतलब यहाँ पर पेस्ट को हमने इनर्शियल सेटिंग टाइम में ही हमने भर दिया था। हमने वेट करेंगे कि यह क्या अपनी प्लास्टिसिटी को 100% खत्म कर चुकी है और स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ को ज्ञात करना शुरू करती ही है, वहीं तो हमें निकालना है कब से यह स्ट्रेंथ को ज्ञान कर मतलब ज्ञात स्टार्ट करना प्रारंभ करती है। तो अब हमें क्या करना होता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ अपना स्ट्रेंथ को ज्ञात कर रही है तो ये क्या होगी, हार्ड होगी। जब हार्ड होगी तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, ये हमारी होती है नीडल, ये होती है प्लंजर। प्लंजर एंगुलर रिंग टाइप का होता है जिसका हमारा इसका डाया होता है 5 सेंटीमीटर और जो ये इम्प्रेशन होता है ये होता है 1 mm² का, यानी दो चीज यहाँ पर यूज होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये फाइनल फिगर में दिखाया, एक 5 mm का होता है ये चीज, हमने यहाँ पर क्या लिया था फ्रेंड्स, ये 5 mm ही लिया है ना, यहाँ पर हमारा 5 mm होगा फ्रेंड्स, ये 5 mm का। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी जो डायमेंशन है 1 mm² की है, अब ये 5 mm² के यहाँ पर जो 1 mm² का है वो इस जो सरफेस है मतलब जहाँ पर हम सीमेंट पेस्ट को, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो सीमेंट पेस्ट है ये सब सीमेंट पेस्ट है, तो यहाँ पर क्या करेगा 1 mm वाला जो नीडल है वो तो इम्प्रेशन बनाएगा। इम्प्रेशन मतलब ये सब मान लीजिए सरफेस है तो ये सरफेस पर थोड़ा सा क्या होगा ऐसा इम्प्रेशन बना के चला जाएगा, और जबकि 5 mm वाला जो है इसको कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाएगा, यानी यहाँ पर नो इम्प्रेशन, यहाँ पर कोई इम्प्रेशन नहीं बना रहा है। तब हम उस समय को रिकॉर्ड करते हैं तो वही हमारा जो समय होता है टोटल वही फाइनल सेटिंग टाइम होता है। जैसे मान लीजिए आप इनर्शियल सेटिंग टाइम के लिए जब पानी मिलाया थे तो आप वहां पर 10:25 हो रहा था, तो हमने देखा कि ये फाइनल सेटिंग टाइम हमारा लगभग 3 बजे मिला है, 3:25 पर हमने मिला है, तो हम देख लेंगे 10 से 1.5 घंटा यहाँ पर 1 घंटा 10:25 से 1:25 यानी यहाँ पर हमारा 35 मिनट हो गया फ्रेंड्स 11 बजे, और उसके बाद 11 से इधर हम जोड़ लेंगे 35 और 25 10:60 यहाँ से हो गया, और 3 इधर 11 और 3 4 घंटा 5 घंटा यानी टोटल हमारा क्या होगा 5 आवर्स हो गया। तो हमारी जो सेटिंग टाइम हो जाएगी सीमेंट को कितना हो जाएगी 5 आवर्स। एक बार देख लेते हैं, यानी यहाँ से हमारा 10 से यानी 35 मिनट यहाँ बचा 11 बज गया, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटा इधर और ये 2 घंटा इधर, तो 5 घंटा इधर और एक इधर इधर मिला के यानी टोटल हमारा 3 घंटा इधर फ्रेंड्स और 11, 12 एक घंटा इधर, 4 घंटा ही और 1 घंटा यानी 5 घंटा हमारा क्या होगी फाइनल सेटिंग टाइम होगा। ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये हम कब लेते हैं 3:25 उस समय लेते हैं जब यहाँ पे जो हमारा नीडल है वो इम्प्रेशन बना रहा है, लेकिन जो 5 mm का ये चीज है डायमीटर का वो हमारे यहाँ पर कोई इम्प्रेशन नहीं बनाएगा। ठीक, यहाँ पर वही है डिटरमिनेशन द फाइनल सेटिंग टाइम, रिप्लेस द नीडल सी विकेट ऑपरेशन बाय द नीडल विद द एंगुलर अटैचमेंट ऑफ द सीमेंट शैल बी कंसिडर्ड फाइनली सेट व्हेन अपॉन अप्लाई द नीडल जेंटली टू द सरफेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक पर अप्लाई करते हैं एंड द इम्प्रेशन थ्योरम व्हाइल द अटैचमेंट फेल्स, यानी ये जो हमारा फेल हो गया है यानी यहाँ पर कोई इम्प्रेशन नहीं बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल है द पीरियड ऑफ एलेप्सिंग बिटवीन द टाइम व्हेन द वाटर एडेड, आप वाटर कितने बजे ऐड किए थे 10:25 पर एंड सीमेंट एट विच द टाइम द नीडल मेड बी इम्प्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक व्हाई द अटैचमेंट फेल टू डू
सो शैल बी फाइनल सेटिंग टाइम, यानी यहाँ पर 3:25 पर क्या हुआ है, जो 5 mm का डायमीटर है वो फेल हो चुका है, नो इम्प्रेशन बना रहा है, जबकि जो 1 मीटर का वो इम्प्रेशन बना रहा है। तो हम टोटल टाइम देख लिया, हमारा 5 आवर्स आ गया, यानी जो हम सीमेंट पेस्ट यूज कर रहे हैं इसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 5 आवर्स है। यानी इससे हमें यह निष्कर्ष निकला कि ये 5 आवर्स में अपनी प्लास्टिसिटी को 100% खत्म कर देगी और स्ट्रेंथ लेना प्रारंभ कर देगी। ओके, एक और फिगर यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा क्या था, 5 mm का था, और इसकी जो हाइट थी, मान लीजिए आप हाइट रिमेम्बर कर लीजिए, जो हमें यहाँ एंगुलर कॉलर यूज करते हैं, एंगुलर कॉलर की जो हाइट होती है वो 30 mm होती है, ये हमारी एंगुलर कॉलर होती है। नीडल विथ, देखिए नीडल विथ, यानी यहाँ पर नीडल ये है, ये फ्रेंड्स नीडल है, और इसके एंगल एंगुलर इधर कॉलम होता है, यानी इसमें जो हम यूज करते हैं नीडल विद एंगुलर कॉलर अटैच। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है जो यहाँ पे है, नीडल विद एंगुलर अटैचमेंट यूज्ड फाइनल सेटिंग टाइम, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ नीडल का जो डायमेंशन होगा 1 mm² होगा, और जो यहाँ पर एंगुलर होगा वो 5 mm होगा, इतना आप यहाँ ध्यान दीजिए। और एक बात का और ध्यान दीजिए, जो 1 mm का होगा वो इम्प्रेशन बनाएगा, जो 5 mm वाला होगा एंगुलर रिंग वो फेल हो जाएगा, यानी नो इम्प्रेशन बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं हम कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंस होता है। जो आर्टेंटी पोर्ट लाइन सीमेंट के लिए होता है उसको 30 होता है इनर्शियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। आर्टनरी 43, आर्टनरी 53 के लिए 600 मिनट होता है, और जो सल्फेट रेजिस्टिंग उसके लिए 600, पोर्टलैंड पोजोना वो रैपिड हाइड्रोलिक उसके लिए भी, और पोर्टलैंड स्लज सीमेंट उसके लिए भी, हाई एल्मुना के लिए भी, और सुपर सल्फेट के लिए। लेकिन आप देखिए जो मेसोनरी सीमेंट होती है उसके लिए 1440 होती है मिनट, यानी हमारे पास इसमें काफ़ी समय होता है स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए। इसलिए आप कोई भी एक मैसोनरी वाल बनाइए और 1-2 घंटे के बाद आप इसको यदि मारिए तो ये दीवार गिर जाता है, नीचे पैर से मार दीजिए तो गिर जाएगा। IRST T40 जो होता है रेलवे यूज करता है उसके लिए हमारा 600 मिनट इसके लिए भी होता है। अगला हमने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेंटर नीडल एट द, अब देखिए बोला सेंटर नीडल अटैचमेंट ऑफ द विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट सर्कुलर कटिंग एज बाय, कितना होता है ये 0.5 mm होता है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला पार्ट कितना होता है, इतना 0.5 mm होता है कटिंग एज। ओके फ्रेंड्स, यही चीज पूछा है। यहाँ से एक बार और देख लीजिए, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है 0.5 mm होता है, यही यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा है विच इज द फ्लोइंग पेयर इन रिस्पेक्ट टू आर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज करेक्टली मैच, हमने पढ़ा है इनर्शियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम हमने पढ़ लिया कि 10 आवर्स होता है। यहाँ पर देख लीजिए आर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हमने तो 10 ही आवर्स पढ़ा है तीनों के लिए। अब उसके बाद देखेंगे कंसिस्टेंसी, नहीं नहीं फ्रेंड्स की कंसिस्टेंसी गलत है, हमने पढ़ा था कितना 25 से 30%। ओके, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज करेक्ट, 1:2 इज करेक्ट, फ्रेंड्स ये इसका है। ओके, अगला चलते हैं द टाइम, देखिए डिफिनीशन ही क्वेश्चन में दे दिया है, द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट वाटर एडेड टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड द टाइम व्हेन द सीमेंट कम, देखिए कम्प्लीटली लॉसेस द प्लास्टिसिटी, पूरी 100% अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दे रहा है, एंड द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डिफिनिट प्रेजेंट प्रेशर एट द टर्नमेंट। ठीक है, तो उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन डिफिनिट प्रेशर इज टर्नमेंट, अब क्या बोलते हैं उसको, हमने पढ़ा उसको हमने बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम। अगला देखते हैं द सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मे बी डिफाइंड एज सेटिंग द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट, नो फ्रेंड्स द चेंज ऑफ द सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डेंड स्टेट, हाँ ये सही है, हमने यही पढ़े थे। फ्लूइड होता है यानी जब हम मिलाते हैं
तो उसके बाद ये धीरे धीरे प्लास्टिसिटी को गेन करता है सीमेंट। अब उसके बाद प्लास्टिसिटी को जब खत्म करता है तो हमारे क्या होती है, हार्डन होना स्टार्ट हो जाते हैं हार्डन। ठीक है फ्रेंड्स, हार्डन यानी धीरे धीरे क्या होती है, मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ओके बाय।